हाय दोस्तों, मैं हूं अब्राहम। मैं आज आपको दिखाऊंगा HTML सोर्स कोड एंड्रॉयड मोबाइल में कैसा देखना है। तो इसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर में दबाना है। उसके बाद सर्च मेन्यू में आपको टाइप करना है VT व्यू सोर्स। उसके बाद सर्च में दबाए। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है VT व्यू सोर्स, तो आपको ये इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होगा मुझे फिर से इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस जाना है ऐप में। मेरा ऐप कहाँ गया? VT, हाँ VT व्यू सोर्स में दबाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर www.google.com, ठीक है। तो google.com मैंने ले लिया। इस google.com का HTML सोर्स कोड हम देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद उसके बाद ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद सॉरी, मैंने गलती दिया, इसमें डॉट कॉम होना चाहिए, मैंने डॉट कॉम दिया। उसके बाद फिर से ओके देना है, इंतज़ार करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अपने आप सोर्स कोड आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। क्योंकि 2G नेटवर्क में हूँ, तो इसलिए मेरा कनेक्शन जो है वो थोड़ा स्लो है। देखिए, ज़्यादा टाइम आउट हो गया, इसलिए ये नहीं आ रहा था। फिर से देखते हैं इंतज़ार करके। हाँ, इस बार आ गया दोस्तों। ये है मेरा सोर्स कोड, आप देख सकते हो। सोर्स कोड स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं ये सोर्स कोड सेव या कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? इसके लिए आपको मेरे दाई तरफ तीन बिंदु दिखाई देगा, सबसे ऊपर दाई तरफ, उसमें दबाना है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर कॉपी ऑल है, कॉपी ऑल करके आप पेस्ट कर सकते हो और सेव टू फाइल भी कर सकते हो। जैसे हमने दबाया सेव टू फाइल। सेव टू फाइल कहाँ पर सेव करना है आपको इसको? जैसे कि यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हो, जाकर कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप। फिलहाल मैं सेव नहीं करूँगा, और चाहे तो आप इसको कॉपी ऑल सोर्स कोड भी दबा सकते हो। कॉपी ऑल दे दिया मैंने, कॉपी हो गया सोर्स कोड। अभी मैं वापस जाता हूँ मेरा ES फाइल एक्सप्लोरर में। कहाँ गया मेरा EX फाइल एक्सप्लोरर? हाँ, EX फाइल एक्सप्लोरर पर दबाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको ढूंढना है एक नोट, नोट एडिटर, ठीक है। यहाँ पर है मेरा नोट एडिटर, बीच में इसमें दबाता हूँ नोट एडिटर में। नोट एडिटर मैंने, और नोट एडिटर दबाने के बाद हमको न्यू में दबाना है। ऊपर में आपको न्यू ऑप्शन प्लस साइन दिखाई देगा, तो वहाँ पर दबाना है न्यू ऑप्शन। उसके बाद एडिट ऑप्शन में दबाना है ऊपर, वो भी है, तो उसमें दबा स्क्रीन में दबा कर रखना है जब तक पेज ऑप्शन नहीं आता है। पेज ऑप्शन आने के बाद पेज में दबाना है। पेज दबा दिया मैंने, तो यहाँ पर सब मेरा जो www.google.com का जो HTML सोर्स कोड है वो पेस्ट हो गया दोस्तों। उसको सेव करने के लिए सेव दबाना है। सेव दबाने के बाद यहाँ पर आप नाम दे सकते हो, जैसे कि गुक गो। हाँ, दिया मैंने HTML.html दबाना है, बस हो गया। सेव करना है इसको, सेव किया मैंने, सेव हो गया दोस्तों। वापस बैक करके जाना है, उसके बाद देखना है कहाँ पर सेव हो गया। यहाँ पर है gook.html, पहले भी मैंने सेव किया था उसमें। तो HTML व्यूअर में दबाना है। HTML व्यूअर दबाने के बाद आपको देखिए वो वेब पेज आ गया यहाँ पर जो हमने सेव किया था।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सोशल मीडिया में भी आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है,